डिंडोली ब्रिज नीचे थी एक युवक नो हत्या करायेल वृद्धे मळी आव्यो हतो। 15 दिवस अगाउ उत्तर प्रदेश थी सूरत मां धंधा रोजगार अर्थे आवेला युवक नी 1000 रूपया माटे अजाण्या शख्सोए हत्या करता पुलिस काफलो घटना स्थले पहोंची आव्यो हतो ने वधु तपास हाथ धरी हती। डिंडोली नी अयोध्या नगरी खाते रहेतो बिपिन उपाध्याय पखवाड़िया अगाउ उत्तर प्रदेश थी सूरत आव्यो हतो। डिंडोली ब्रिज नीचे टामेटा वेची गुजरान चलावतो हतो। आ दरमियान गत रात्रे अजाण्या माथाभारे शख्सोए तेनी पासे 1000 रूपियानी मांग करी हती, जेना आपता तेनी हत्या करवामां आवी हती। 3 वर्षनी दीकरीनो पिता बिपिन सवारे मुंबई जवानो हतो, परंतु अगाउ 4-5 घा मारीने અજાણ્યા હુમલાખોરોએ તેની હત્યા કરી હતી। પરિવાર તે મુંબઈ જવાનો હવાથી મળવા આવ્યો હતો, પરંતુ તે અગાઉ જ તેનો મૃતદેહ બ્રિજ નીચેથી મળતા સારવાર માટે સ્મિમેર હોસ્પિટલ લઈ જવાયો હતો, જ્યાં ફરજપરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો। હાલ ડિંડોલી પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે, જોકે રોજે રોજ સામે આવી રહેલા હત્યાના બનાવને લઈને પોલીસની કામગીરી પર સવાલ ઉભા થઈ રહ્યા છે। मेरे भाई के साथ घटना हुई। कल हम लोग, हमारा बर्थडे था, कल बर्थडे का पार्टी करने के बाद भाई बाहर गए थे, बाहर से थोड़ा ड्रिंक करके आ गए थे, और एग्जैक्टली 12 बजे रात को थोड़ा बहुत मतलब अपने से ही चिल्लाए और बैग लेके मुंबई का प्लान बना दिए जाने के लिए। मुंबई जाने का प्लान बनाया तो 12:30 बजे रूम से निकले वो, रूम से निकल के बस रूम से 200 मीटर आगे अंबिका नगर डिंडोली में पहुँचे वो। वहाँ उन लोग 4 लोगों ने उन्हें चाकू से मार के उनका जो भी सामान था, पैसा पैसा सब छीन लिया। फिर मैं 10 मिनट बाद बाहर आया, जब बाहर आने के बाद देखा निगाह से तो वो डगमगाते हुए आ रहे थे। उसके बाद मैं गया उनको, उनके पास गया तो वो एकदम खून से लथपथ थे पूरे। और उन्हें जब मैं उठाया तो उनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि 4 आदमी थे, 4ों ने हमें मारा चाकू से, उसके बाद हमारा लूटपाट कर लिया, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। यही इसके आगे વધુમાં મૃતકના ભાઈએ જણાવ્યું હતું કે મારા ભાઈ સાથે જે થયું છે તે બીજા કોઈ સાથે ના થવું જોઈએ એવી પોલીસને અપીલ કરું છું। સાથે જ હત્યારાઓને પોલીસ ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ કરાઈ છે। અરવિંદ રાઠોડ સાથે NS ગુજરાત ન્યૂઝ સુરત।